हेलो फ्रेंड्स, द आर्यावर्त इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं गौतम भारती आज आपको जैन धर्म के बारे में इम्पोर्टेंट जो कुछ भी है वो सब बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी BC मानव इतिहास में बदलाव का युग था। ये वो समय था जब बहुत ज़्यादा मानसिक व धार्मिक अशांति थी। उस समय महापुरुष सच्चाई की खोज में लगे हुए थे और इन सब का केंद्र था मगध। समाज सुधारक कुरीतियों व बलि प्रथा का विरोध करते थे। उनमें प्रमुख थे जैन धर्म के अनुयायी। जैन धर्म का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव यानी आदिनाथ। आदिनाथ जैन धर्म का जो विचार था उसे लेकर आए थे। आदिनाथ के बारे में विष्णु पुराण व भगवत पुराण में कहा गया है कि ये नारायण के अवतार हैं। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्टनेमी का जिक्र है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ या अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में साधु जीवन जीने के लिए सिंहासन छोड़ दिया था। इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह दिए। ये वेद और वैदिक देवताओं के आलोचक थे, क्रिटिक थे। ये जाति प्रथा के विरुद्ध थे। इनकी मृत्यु पार्श्वनाथ हिल गिरदी झारखंड में हुई। इनके फॉलोअर्स को निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। भगवान महावीर का जन्म 540 BC में कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये इक्ष्वाकु राजवंश के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका आरंभिक जीवन बड़े ऐशो आराम से भरपूर था। वे बहुत सारे क्षेत्रों में पारंगत थे व उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई थी। इनकी शादी यशोदा से हुई और एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी जमाली प्रथम से हुई। वर्धमान अपने विचारों में मगन रहते थे और हमेशा सोचते रहते थे। बाहरी दुनिया के सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण किया। कल्पसूत्र में बताया गया है कि वर्धमान ने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर बहुत कठिन रास्ते पर चलकर शरीर को दुख देकर 13 महीनों बाद उन्होंने कपड़े पहने भी छोड़ दिए। अपने शरीर को भयंकर कष्ट देने के 12 वर्ष पश्चात वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अचरंग सूत्र में वर्धमान के ज्ञान के बारे में बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना जाता। 42 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ये घटना जंबिका ग्राम जो कि ऋजुकला नदी के किनारे पर है उसमें हुई। कैवल्य प्राप्त करने के बाद इन्हें कैवलिन कहा गया। इन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया और इनका नया नाम जिन पड़ गया। वर्धमान अपने विचारों को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए। उनके पहले शिष्य उनके जमाता जमाली ही बने। भगवान महावीर को ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य भी जोड़। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश 11 शिष्यों को दिया जिन्हें गंधर्व या गणाधार कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। 72 वर्ष की आयु में 468 BC में भगवान महावीर का निधन हो गया। जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में 3 रत्नों का जिक्र है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। 5 महाव्रतों का जिक्र है, अहिंसा, एक संत को हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य, एक संत को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय, एक संत को बिना किसी की आज्ञा के उसकी वस्तुएं प्रयोग नहीं करनी चाहिए
और बिना आज्ञा के उसके घर पर भी नहीं ठहरना चाहिए। अपरिग्रह, एक संत को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। संपत्ति के संग्रह से मोह का जन्म होता है, जो निर्वाण के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता है। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। इसमें सेक्सुअल डिजायर को गिवअप करने के बारे में बताया गया है और महिलाओं से भी बात ना करने के लिए कहा गया है। धर्म में पांच तरह के ज्ञान की बात कही है, मति, मन पर्याय, श्रुति, कैवल्य, अवधि। छह तत्वों का जिक्र है, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। जैन धर्म में 18 पापों का जिक्र है। जैन संघ, अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ 11 गणों में विभाजित होती थी। हर गण का एक मुखिया होता था, जिसे गणाधर या गंधर्व कहा जाता था। गणाधर वो ब्राह्मण होते थे जिन्हें भगवान महावीर ने धार्मिक वाद विवाद में हरा दिया था। चार तरह के भक्तों का जिक्र है, श्रावक, श्राविका, पुरुष लायती, महिला लायती। जैन धर्म की पहली संगति 300 ईसा पूर्व स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई। इसमें 12 अंक जोड़े गए। उस समय मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी संगति 512 ईस्वी में हुई। ये वल्लभी में हुई। इसके अध्यक्षता देव ऋद्धि गणि ने की। इसमें 12 अंग और 12 उपांकों का वास्तविक संग्रह किया गया। जैन साहित्य, जैन साहित्य परिकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 14 पर्व, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 सूत्र ग्रंथ है। इसके अलावा कल्पसूत्र, जो कि संस्कृत में भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था, भद्रबाहु चरित, परिषिता पर्वन, जो कि हेमचंद्र ने लिखा। जैन धर्म में विभाजन, जैन मुनि भद्रबाहु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्वर्णबेल गोला कर्नाटक गए और वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। जैन मुनि भद्रबाहु जब स्वर्णबेल गोला से वापस आए तो उन्होंने कहा, हमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। लेकिन उनकी इन बातों को मगध के जैन मुनि स्थूल भद्र ने नहीं माना। तब से मगध के जैन श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले कहलाए, जिन्हें स्थूल भद्र ने प्रेरित किया था। और जो दक्षिण के जैन थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर मतलब जिनके कपड़े खुला आकाश है, अर्थात ये नेक्ड होते हैं। और इनके मुनि थे भद्रबाहु। जैन विरासत की कुछ स्थल हैं, जैसे हाथी गुफा, बाघ गुफा, ये उदयगिरी, खांडागिरी, खारवेल उड़ीसा में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर विमलवासी और तेजपाल मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में है, जो कि चालुक्य के राजा भीम प्रथम ने बनवाए थे। गिरनार मंदिर और पालीताना मंदिर गुजरात में है। पावापुरी मंदिर, राजगृह मंदिर, जो कि बिहार में है। और गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर स्वर्णबेल गोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे।